के कृषि विज्ञान केंद्र को मिनिस्ट्री से मिलेंगे। दे हैव कम फ्रॉम चेन्नई फॉर डेमोंस्ट्रेशन एट कल भी हमने सर डेमोंस्ट्रेशन दिया। दे कैन स्प्रे आल्सो केमिकल्स जहाँ जो लेबर की कंपनी है वहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। प्री हाइट पेस्ट का स्प्रे हो जाएगा, एग्रीकल्चर क्रॉस पे हम स्प्रे कर सकते हैं लेबर्स केमिकल्स हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स। मैं आपका स्वागत है। ये हमारा 5 दिवसीय मेला यहाँ पर चल रहा है किसी उद्यमों के लिए और इसकी शुरुआत 7 तारीख को हुई थी और LG साहब ने मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया था और 7 से 11 तक ये मेला चल रहा है। आज आप देख रहे होंगे पीछे आपके डॉग शो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से भी जो डॉग लवर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मेले का जो मुख्य विषय था वो प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती का समावेश कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आई हूँ। एक इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसी में से एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने, बट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़। इतना बड़ा मेला इस लेवल का यहाँ पर आयोजित किया गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डॉग शो है, फ्लावर शो है और जितना VC साहब ने बताया इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग जम्मू के लोगों के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए, कि इतना एक्सपोजर इस लेवल पे उनको दिया जा रहा है। जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट की बात करूँ, हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने कई सारे ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जिसमें कि यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ कर सकता है। आजकल चल भी रही है। VC साहब हैज़ बीन वेरी फोर्थकमिंग इन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग्स। हर नरेगा में हमें KVKS के साथ ट्रेनिंग।
टॉपिक दिया गया है वो सीड सिनेरियो पे है। अगर बीज अच्छा है तो 15 से 20 क्विंटल ही 25% तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बिना किसी अतिरिक्त उत्पादन खर्चे के। इस विश्वविद्यालय के संकाय छात्रगण, जो हमारा कृषि विभाग है उससे आए हुए बहुत सारे अधिकारीगण, किसान भाइयों, बहनों, माताओं, आज इस बीज पर जो सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर जेपी शर्मा जी के। सब शर्मा जी के साथ हमने काफी काम किया है। मैं भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पहले था और उनके नेतृत्व में हमने बीज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बीज उत्पादन के लिए करके, बीज से कैसे हम किसानों पे आय बढ़ा सकते हैं। अभी करीब 10 दिन पहले भारत सरकार ने जो कुल उत्पादन, अनाज उत्पादन का आंकड़ा दिया है, अनुमानित आंकड़ा जो दूसरा आंकड़ा है, ये 4 चरण तक आंकड़ा जाता है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो अनुमानित आंकड़ा है वो 309 करोड़ क्विंटल का है। सबसे पहले मैं कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ वीसी साहब को कि स्क्वाश यूनिवर्सिटी एक बड़ा वाइब्रेंट जगह है, जहाँ पे जब भी मैं आता हूँ, एक तो मेरा अपना ताल्लुक, जैसे आपने बताया गया मैं बॉटनिस्ट रहा हूँ, तो मेरा प्लांट्स के साथ काफ़ी है इंटरेस्ट है, मेरा PhD किसी और टॉपिक पे है, बायो वेपन्स के ऊपर, बट मेरा प्लांट्स के साथ बहुत सोचा, और एक मैं फार्मिंग कम्युनिटी के साथ कह सकते हैं हमारे अपने 2 फार्म हैं फ्रूट्स के, और उसमें मेरा अपनी बड़ी रुचि है। और मैंने अभी एक रिसेंटली एक हनी क्रिएट किया है यहाँ, ब्रांड करके 2 ब्रांड क्रिएट किए हैं, तो मेरा एक लगाव है यहाँ के साथ, और मैं हमेशा जितनी बार भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मेले में शिरकत करके, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए तो पहली इस किस्म का पहला मेला है जिसमें मैं पार्ट ले रही हूँ, और जिस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है उसके लिए मैं VC साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इस लेवल का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया, जो कि मेरे ख्याल से हमारे जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों बहनों के लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेके आएगा और बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा, बहुत सारी मार्केट के प्लेयर से उनको कनेक्ट करेगा। प्रोफेसर JP शर्मा जी, माननीय कुलपति स्कॉच जम्मू की तरफ से, और डॉक्टर GP सिंह जी, डायरेक्टर ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल की तरफ से ये MOU आज यहाँ पे साइन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय जम्मू को बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने हमें एक अवसर प्रदान किया यहाँ हमारे किसान बंधुओं और बहनों से वार्तालाप करने का, और इस बीज सम्मेलन में शिरकत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की अनुभूति है, हमारे लिए खासतौर से हमारे साथी जो इस अवसर पर उपस्थित हुए। मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल एवं शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू के मध्य हुआ है, जिसके आने वाले दिनों में बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। आज प्रथम बार यहाँ पर मैं प्रवेश किया हूँ, कृषि विज्ञान का देखने का मेला भी देखा और सबके विचार सुना। एक विचार मेरे मन में आता है कि साइंस जो होता है, जो हम लोगों का विज्ञान है, बाह्य खोज है, बीजों का खोज है और गेहूं का, धान का, सारे खोज हम अपना कर चुके हैं और कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं जितना दुगना हो सके, लेकिन इसके साथ साथ उसमें प्राकृतिक गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जो हम कहते हैं कि ये देसी चीज़ में प्राकृतिक गुणवत्ता होती है, वो शायद हाइब्रिड में आप स्वयं देखें तो शायद नहीं होता। तो आप हाइब्रिड जब तैयार करते हैं तो आप सिर्फ दुगना तिगुना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गुणवत्ता खो जाता है वहाँ पर।
उसको खाकर हम स्वस्थ रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बड़ा बिजनेस भी किया और सीड को बहुत बढ़ावा दिया, और स्वामीनाथन साहब ने उस समय एक जौनती गांव दिल्ली के पास में उसको सीड विलेज पहली बार बनाया था। तो आज यहाँ सीड के जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं देश के, जो बनाते भी हैं और दूसरा जो सीड का डायरेक्टरेट है, वो दोनों लोग हमारे साथ में हैं, हमारे अपने वैज्ञानिक भी हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ सीड सस्टेनेबिलिटी, जो रीन साहब ने बताया इतने परसेंट है कम है, तो कुछ फसलों में काफ़ी कम है, वो सीड सस्टेनेबिलिटी यहाँ इस क्षेत्र में आएगी। अभी जो हमारे वक्ता थे उन्होंने आपको बताया कि क्वालिटी, सीड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और इसको प्रोडक्शन सिस्टम हमारे कंट्री में क्या है, और उसको उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ फॉडर की भी बहुत समस्या है। फॉडर का सीड भी जब मैं यहाँ था तो लोगों से बात होती थी, तो एक तो कुछ ज़्यादा वेराइटीज़ की के बारे में उनको जागरूकता नहीं थी, और दूसरा उसका सीड भी नहीं मिलता था। तो मेरा ख्याल है कि गेहूँ और बार्ले और राइस के साथ साथ भी हमें ध्यान देना चाहिए। Yeah.